सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी कोबे ब्रांड की पुस्तक द विजेनार्ड सीरीज सीजन 1 के सहलेखक कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वेस्ले किंग। तो कोबे ब्रांड, ये नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो। ये यूएस के बास्केटबॉल प्लेयर थे और अभी जनवरी में ही एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में इनकी बेटी के साथ इनका निधन हो गया था। तो इन्होंने लेखक वेस्ले किंग के साथ मिलकर लिखी थी ये बुक, जिसे अभी उनके निधन के बाद रिलीज किया गया। कोबे ब्रायंट ने इससे पहले भी 2018 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द मांबा मेंटेलिटी हाउ आई प्ले, जो एक बेस्ट सेलर किताब रही थी। बाकी जो आप ऑप्शन देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरी जॉर्डन, कल परसों ही पढ़ाया हमने, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप नाम की बुक लिखी इन्होंने। बाकी पाओलो गियोर्डानो की बात करेंगे तो इन्होंने भी कोरोना वायरस के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हाउ कॉन्टेजन वर्क। ताहिरा कश्यप की बात करेंगे, इन्होंने बुक लिखी उसका नाम है द 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमन। अच्छा, कोबे ब्रांड से एक प्रश्न और बन सकता है, अभी एक करंट अफेयर्स में ये पढ़ा था हमने कि नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में सदस्य के रूप में इनको चुना गया था, कोबे ब्रांड को, तो ये भी आप याद रखना बढ़ते आगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों की सूची में टॉप पर कौन रहे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टीव बॉलमर। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों की सूची जारी की है, जिसमें पिछले साल टॉप पे रहे थे आपके मुकेश अंबानी, लेकिन इस बार वो दूसरे स्थान पे आ गए, और पिछले साल जो दूसरे स्थान पे थे वो पहले स्थान पे आ गए, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट के CEO रह चुके स्टीव बॉलमर की, जो इस बार टॉप पे आए हैं। देखो, मुकेश अंबानी की तो आप जानते हो क्रिकेट टीम है मुंबई इंडियंस नाम से, जबकि स्टीव बॉलकर की एक बास्केटबॉल टीम है लॉस एंजलिस क्लिफर्स के नाम से। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद रखना है। और अभी दो दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि फोर्ब्स ने 2020 के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची भी जारी की थी, और उसमें टॉप पे रहे तीसरी बार लगातार अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। बढ़ते आगे, फिर हाल ही में भारत का नंबर वन स्मार्ट सिटी कौन सा बन गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन है, अहमदाबाद। तो गुजरात का अहमदाबाद शहर COVID-19 महामारी से निपटने के लिए स्मार्ट पॉलिसीज को यूज कर रहा है, जैसे कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे उसके लिए शहर के लोगों को जो भी मतलब मेडिकल परामर्श चाहिए तो ऑनलाइन डॉक्टर उपलब्ध है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से आप टेलीफोन पर बात कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, यहाँ तक कि वीडियो कॉल भी कर सकते हो, लेकिन आप बाहर नहीं जाओगे। तो अगर लोग बाहर नहीं जाएंगे तो COVID-19 के फैलने का खतरा भी कम हो जाएगा, इसीलिए इसे भारत के नंबर वन स्मार्ट शहर के रूप में स्थान दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, किसको, अहमदाबाद को। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 अप्रैल को। तो हर साल 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 12 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को USSR, जिसे अब आप रशिया के नाम से जानते हो, तो उसके एस्ट्रोनॉट थे यूरी गागरिन, और उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में सफल उड़ान भरी थी उस दिन, इसीलिए 12 अप्रैल को मनाते हैं ये दिवस। अब इंपॉर्टेंट डेज की बात है, तो अप्रैल में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए, मैं आपको एक एक करके रिवाइज कराता हूं, अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोल के चलना। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो स्क्रीन पे मैं आपको डेज दिखाऊंगा, तो आप देख देख करके बोलते हुए चलना, क्योंकि बोलने से भी चीजें याद हो जाती है। तो 1 अप्रैल को अपन ने मनाया था उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस भी बोलते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरिटाइम डे मनाया, जिसकी थीम रही थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। और 5 अप्रैल को ही इस साल पहली बार हमने अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। फिर 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट डे मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया, जिसकी थीम आपको याद रखनी है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स, ये इंपॉर्टेंट थीम रही। फिर 10 अप्रैल को मनाया विश्व होम्योपैथी दिवस, जिसकी थीम रही थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया। तो अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज आपको ये याद रखने हैं, और कम से कम जब भी मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराता हूँ तो आप साथ साथ बोला करो, ये आप ही के लिए करा रहा हूँ, वरना मैं इसको स्किप करके भी आगे बढ़ सकता हूँ। जब भी इंपॉर्टेंट डे आता है, चाहे दूसरे दिन ही आ रहे हो लगातार, मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ। जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप अपने लिए क्यों नहीं करोगे, तो बोला जरूर करो। बढ़ते आगे,
और गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करा करें, कम से कम एक बंदा एक वीडियो को लाइक जरूर करा करे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। लाइक करने में आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, आपके लाइक करने से आपके शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा उत्साह बढ़ता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है आपके लाइक और शेयर करने से, तो अगले दिन मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ और नए पॉइंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ अगर पसंद आता है तो इसे शेयर ज़रूर करा करें। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस IIT ने COVID-19 से किराने का सामान और मुद्रा नोटों को सैनिटाइज करने के लिए एक तकनीक विकसित की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, IIT रोपड़ ने। तो अभी IIT रोपड़ ने COVID-19 से जो किराने का आपका सामान आता है या कोई भी करेंसी नोट आ रहा है उसको सैनिटाइज करने के लिए एक डिवाइस बनाई है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टेक्निक से लेस है। तो इस डिवाइस को आपको अपने घर के दरवाजे पर रखना है और आपके घर में बाहर से जो भी किराने का सामान आ रहा है, कोई भी करेंसी नोट आ रहे हैं या कुछ भी वस्तु जो बाहर से घर के अंदर आ रही है, उन सभी चीज़ों को आपको इस डिवाइस के अंदर डाल देना है और 30 मिनट में वो उसको सैनिटाइज कर देगा। अच्छा, ये IIT रोपड़ कहाँ पर है? तो पंजाब में है। वहीं अगर IIT रुड़की की बात करेंगे तो अभी इसने प्राण वायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाए थे और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक फेस शील्ड भी बनाए थे। और IIT गांधीनगर ने भी अभी लॉकडाउन के दौरान जो स्टूडेंट घर पर है उनको रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था। वहीं IIT बॉम्बे ने क्वारंटाइन नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था और IIT मद्रास में, याद रखना, भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जबकि IIT मद्रास ने ही अभी अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ड्रोन विकसित किए थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अभी न्यूज में रहे थे, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त रीअपॉइंट किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संजय अग्रवाल को। तो अभी हाल ही में संजय अग्रवाल को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO के रूप में फिर से रीअपॉइंट किया गया है। अच्छा, इनके अलावा राज विकास वर्मा को 1 साल के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का पार्ट टाइम यानी कि अंशकालिक अध्यक्ष चेयरमैन बनाया गया है, तो इनका नाम भी याद रखना है। बाकी अनामिका रॉय का नाम आप जानते ही होंगे, अभी हमने पढ़ा भी था, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की MD CEO बनी थी। और UB प्रवीण राव बोल दो या प्रवीण राव बोल दो, अभी नेस्कोम के चेयरमैन बने थे ये। अच्छा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, देखो इसकी स्थापना तो 1966 में हुई थी एज अ व्हीकल फाइनेंस कंपनी, फिर 2017 में RBI ने इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे दिया। हेडक्वार्टर इसका जयपुर राजस्थान में है और इसका जो टैगलाइन है वो है चलो आगे बढ़े। तो हम भी बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में कहा COVID-19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निकोबार में। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों को सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए COVID-19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल लॉन्च किया गया है। ये चैनल 3 भाषाओं में होगा, हिंदी में, इंग्लिश में और निकोबारी में। तो निकोबार की बात करेंगे तो निकोबार द्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा है। अंडमान निकोबार भारत का एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार के पास खुद का कोई हाईकोर्ट नहीं है, जो कोलकाता हाईकोर्ट है वही इसके मामले देखता है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है सैडल पीक और इसकी हाइट है 732 मीटर। याद रखना 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे IMF के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रघुराम राजन को। तो IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, उन्होंने RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को अपनी बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया है और ये समूह दुनिया भर की घटनाओं और नीतिगत मुद्दों के बारे में IMF को अपनी राय देगा और कोरोना वायरस जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव भी देगा। रघुराम राजन की बात कर लें तो रघुराम राजन के अलावा 11 अन्य लोगों को भी इस समूह में सदस्य बनाया गया है। ये आपको मैंने बोला, ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। कौन से नंबर के गवर्नर थे? ये 23वें नंबर के गवर्नर थे और वर्तमान में जो शक्तिकांत दास है वो 25वें नंबर के गवर्नर है। बाकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथन। और याद रखना, अभी
ये न्यूज में भी था क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों ने COVID-19 के खिलाफ जो नीतियां बनाई है उसको ट्रैक करने के लिए इसने एक पॉलिसी ट्रैकर लॉन्च किया था। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन लिख रहे हैं ये सब आप जानते होंगे, नए अपॉइंटमेंट से आप समझे इनको। उर्सुला वॉन डेर लेन, ये खुद जर्मनी की है और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं। डेविड सासोली की बात करेंगे, ये खुद इटली से हैं और यूरोपियन संसद के अध्यक्ष बने थे। क्रिस्टीन लेगार्डे की बात करेंगे तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है ये, यही पहले IMF की प्रमुख थी, फिर इन्होंने IMF छोड़ दिया और यूरोपियन सेंट्रल बैंक में चली गई। तो ये सब आप ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में DRDO ने फुल फेस शील्ड यानी कि पूरे चेहरे को ढकने के लिए एक फुल फेस शील्ड बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, Wipro 3D के साथ। तो अभी DRDO ने Wipro 3D के साथ मिलकर के फुल फेस शील्ड तैयार किया है और ये डॉक्टर्स हो गए या जो भी स्वास्थ्य कर्मी हो गए उनके लिए यूजफुल होगा जो COVID-19 से संक्रमित रोगियों का इलाज कर रहे हैं। और यही नहीं, इससे पहले DRDO फुल बॉडी डिसइंफेक्शन चैम्बर, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर और अभी आपातकालीन निकासी बैग, ये सब ये बना रहा है। अब DRDO की बात कर लेते हैं। तो DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना याद रखना देखो बहुत आसान है, जब नासा की स्थापना हुई थी ना तभी इसकी स्थापना हुई थी। तो नासा की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी जिनको 2019 में मिसाइल सिस्टम का अवार्ड मिला था। और इसका मोटो क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और DRDO दिवस हम मनाते हैं 1 जनवरी को, ये भी याद रखना, पढ़ते आगे। फिर है हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1.6%। तो अमेरिकी वित्तीय कंपनी है ये गोल्डमैन सैक्स और इसने अभी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट को 1.6% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, कुछ और के अनुमान मैं आपको बताऊंगा, जैसे जो अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़े और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ही 4.8% कहा था, फिच रेटिंग ने 2% कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4% कहा है, इंडिया रेटिंग्स ने 3.6% कहा, S&P ने 3.5% कहा और क्रिसिल ने कितना कहा, उसने भी 3.5% कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2.6% कहा। ये सारे के सारे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए है, जबकि मूडीज ने 2019-20 के लिए कहा था 2.5% रहेगी। ये सारे लेटेस्ट मैंने आपको बताए, इनके बाद कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 90,000 टन गेहूं के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने की घोषणा की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, लेबनान और अफगानिस्तान। तो अभी भारत सरकार ने अफगानिस्तान और लेबनान को 90,000 टन गेहूं के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने की घोषणा की है, जिसमें से अफगानिस्तान को तो 50,000 टन और लेबनान को 40,000 टन गेहूं एक्सपोर्ट किए जाएंगे। अब दोनों कंट्रीज को आप वन बाय वन देखिए, पहले ये रहा मैप में अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी और प्रेसिडेंट अभी फिर से बन गए अशरफ गनी। एक और पॉइंट यहाँ से याद रखना कि भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश बना था ये अपन ने दिसंबर में ही पढ़ा था। लेबनान की बात हुई है तो ये रहा मैप में लेबनान, कैपिटल इसकी बेरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड और प्रधानमंत्री हसन दियाब, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जैकी डू प्रीज का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रिकेट से, क्रिकेटर थे ये। तो जैकी डू प्रीज ये साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और जिम्बाब्वे के पूर्व चयनकर्ता भी रह चुके हैं, लेकिन अभी इनका निधन हो गया है। अच्छा, कुछ और नाम मैं आपको बताने वाला हूँ तो ध्यान से सुनते जाना। अभी अमेरिका के लोक गायक जॉन प्राइन, इनका अभी COVID-19 के कारण निधन हो गया। इन्हें 2 बार ग्रेमी अवार्ड और 1 बार ग्रेमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। तो अमेरिका के लोक गायक थे ये, इनका निधन हो गया। इनके अलावा अभी भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्म कंची बोतला, इनका भी कोरोना की वजह से निधन हो गया। ये भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे। और इनके अलावा 1964 में जो जेम्स बॉन्ड मूवी आई थी उसमें एक्टिंग करने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस थी ये ऑनर ब्लैकमैन, इनका भी अभी निधन हो गया। एक्ट्रेस थी ये, अभिनेत्री थी। और इनके अलावा अभी प्रसिद्ध कन्नड़ कॉमेडियन अभिनेता बुलेट प्रकाश, इनका भी अभी निधन हो गया। बुलेट इनको नाम दिया गया था क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड जो मोटरसाइकिल होती है उसके दीवाने थे ये, इसलिए इनको नाम दिया गया था बुलेट। बुलेट प्रकाश अभिनेता थे, कन्नड़ अभिनेता। और इनके अलावा अभी मलयालम जो संगीतकार थे MK अर्जुनन, इनका भी निधन हो गया।
ये मलयालम संगीतकार थे। और अभी न्यूजीलैंड के जो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं जॉक एडवर्डसन, इनका भी निधन हो गया। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, ये याद रखना। 3 बार के ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले अमेरिकी गायक और गिटार वादक बिल वीदर, इनका भी अभी निधन हो गया। ये गायक भी थे और गिटार वादक भी थे। तो गाइज आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको टोटल 9 क्वेश्चन करा दिए हैं और सारे ऑब्विचरीज के करा दिए। एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि 2-5 ऑब्विचरीज जो निधन वाले क्वेश्चन है वो इकट्ठे हो जाए, मैं आपको एक साथ करा दूं। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भी था कमेंट बॉक्स में कि बाकी जो यूट्यूब चैनल होते हैं वहां पे ऑब्विचरीज के क्वेश्चन कराए जाते हैं, आप ऑब्विचरीज के क्वेश्चन नहीं करा रहे हो। देखो मेरी थोड़ी सी प्लानिंग अलग है, मैं डेली अगर जब भी ऑब्विचरीज होती है, कोई निधन का क्वेश्चन आता है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या अभी 2-4 इकट्ठे हो जाने दीजिए, मैं आपको एक साथ बता दूंगा। आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं आपको डेली या एक आध दिन में जब भी निधन का क्वेश्चन आ रहा है, एक एक क्वेश्चन आपको उसमें देने लगूं निधन का, तो हमारा वो एक एक क्वेश्चन मारा जा रहा है। निधन वाले में कोई इंपॉर्टेंट ऐसा याद रखने के लिए नहीं होता है, आपको नाम याद रखना है और वो किस चीज से संबंधित है, या अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट होता है तो वो याद रखने का है, और कुछ समझने का नहीं है। तो अगर डेली के डेली या जब भी निधन वाला क्वेश्चन आ रहा है तो अगर मैं आपको देता हूं तो हमारा एक क्वेश्चन मारा जा रहा है, उसकी जगह कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले सकता हूं। तो मेरी यही प्लानिंग है। तो आज जैसे मेरे पास ये 8-9 क्वेश्चन कवर हो गए, अब मुझे लगा कि मेरे को एक साथ डिलीवर कर देना चाहिए। अब कॉपी पेन में जहां पे भी आप लिखते हो वहां इनको एक साथ लिख लो, इससे आपका एक शेड्यूल भी बन गया, सारी ऑब्विचरीज एक साथ इकट्ठी हो गई और आपने 9 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लिए। तो थोड़ा सा चीजों को प्लानिंग से करना होता है। दूसरे क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं हमें इससे मतलब है। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होगा। देखो आज के टाइम पे हर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि सबको पता है बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अब हार्ड वर्क सारे कर रहे हैं तो वापस कंपटीशन बराबर हो गया, तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अगर दूसरों से एक कदम आगे चलना है। तो जो मेरे विचार थे मैंने आप लोगों को बता दिए, बाकी आप जो कहोगे मैं वैसा कर दिया करूंगा। तो अभी तो हम देख लेते हैं कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व होम्योपैथी दिवस हमने कब मनाया, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10 अप्रैल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं, तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है, तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा, आपको ही नहीं जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 देख सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है, यहां पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4-5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं, तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहीं पे आपको क्विज वीडियो पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो।